हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरे चैनल टेक ज्ञान पे सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में अगर हम बात करने वाले बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में। टेक न्यूज़ में आपको जाना शुरू करो उससे पहले जरूरी बात, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलिए मेरे चैनल को, साथ ही में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में अगर आपको मेरी मेहनत है रिसर्च पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रेकमेंड हो, उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए अब देखते हैं कि आज क्या टेक न्यूज़ निकल के आई है। हालांकि टेक न्यूज़ में बताऊँ उससे पहले और एक ज़रूरी बात, आज जो है हमारा चंद्रयान 3 जो है वो साउथ पोल पे मून के ऊपर जो है वो लैंड होने जा रहा है, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल रहेगा, और सक्सेसफुल रहेगा यानी कि होगा ही, सक्सेसफुल ही होने वाला है। अब देखते हैं कि कितने बजे जो है वो चंद्रयान 3 जो है वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग मून के साउथ पोल साइड जो है वो करता है। अब देखते हैं, हालांकि मैं वीडियो तो उससे पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर उसकी अपडेट जो है अगेन मैं आपको अगर कल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाता तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आ जाऊंगा। सो चलिए अब देखते हैं क्या टेक न्यूज़ निकल के आई है। सो अब जो हम पहली न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन 15 सीरीज़ के बारे में है। अब न्यूज़ तो ये है कि सारे मॉडल्स के अंदर, इसके जो डमी के अंदर भी हमें देखने को मिल रहा है कि आईफोन 15 सीरीज़ के सारे मॉडल्स के अंदर में यूएसबी टाइप सी पोर्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। बट अब रूमर ये है कि अब 15 सीरीज़ के अंदर जो है जितने भी कलर्स होने वाले हैं उस कलर के हिसाब से जो हमें यूएसबी टाइप सी केबल्स जो है वो मैचिंग केबल्स भी देखने को मिलने वाले हैं। सो अब देखते हैं उसका एक कॉन्सेप्ट फोटो भी जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और भी हो सकता है शायद ऐसा एप्पल जो है वो कर भी सकती है, क्योंकि जिस तरह का मोबाइल होगा शायद केबल भी उसी तरह का हमें शायद उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या न्यूज़ या अपडेट्स मिल पाती है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के बड्स एयर 5 के बारे में। अब उसके कुछ पोस्टर और निकल के आया जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। अब ये जो प्रोडक्ट है रियलमी के TWS जो है वो 28 अगस्त को जो है चाइना में लॉन्च होने जा रहे हैं, और जिसके अंदर हमें 4000 हर्ट्ज का अल्ट्रा वाइड बैंड जो है वो भी देखने को मिलने वाला है, डीप कॉल नॉइज रिडक्शन जो है उसका भी सपोर्ट हमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट्स चाइना में हमें कौन से प्राइस पे लॉन्च होते देखने को मिलते हैं। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एंटरटेनमेंट से रिलेटेड है, या फिर कह लो OTT प्लेटफॉर्म के बारे में है। सो जियो सिनेमा ने जो है IPL 2023 जो है उसको फ्री कर दिया था स्ट्रीमिंग के लिए, तो उसे देखकर जो है अब हॉटस्टार भी जो है वो रेस में आ चुका है। अब हॉटस्टार ने भी जो है ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि एशिया कप और 2023 मेंस ICC वर्ल्ड कप जो है वो जो है हॉटस्टार हमें फ्री दिखाने वाला है, जो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोग जो मैच की वजह से स्पेशली जो सब्सक्रिप्शन लेते थे अब उनको जो है ये दोनों ही जो है एक एशिया कप और वर्ल्ड कप ये दोनों ही जो है उनको फ्री देखने को मिलने वाले हैं। सो आप से कितने क्रिकेट लवर्स हो जिनको ये न्यूज़ जो है वो जान के बड़ा अच्छा लगा है, प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं कहूँ सैमसंग के जो फोल्डेबल डिवाइस है अब उसके अंदर भी हमें FA एडिशन जो है वो देखने को मिलने वाला है। बट रूमर्स या न्यूज़ की माने तो ये कहा जा रहा है कि हमें जो वो FA एडिशन वाला फोल्डेबल डिवाइस होगा अब वो फ्लिप होगा या फोल्ड होगा वो तो पता नहीं है, बट वो हमें जो है नेक्स्ट ईयर के जो फोल्डेबल लॉन्च होने वाला है शायद उसके बाद हमें उसका लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि आगे इसके जो FA एडिशन वाले फोल्डेबल या फ्लिप फोन आने अगर आते हैं तो हमें कौन सी प्राइस और स्पेसिफिकेशन पे देखने को मिलते हैं, और वो काफ़ी अफोर्डेबल होने वाला है ऐसा कहा जा रहा है सैमसंग की तरफ से। सो अब सैमसंग की तरफ से नहीं बट रूमर्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है। सो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें और क्या न्यूज़ मिल पाती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल की iOS 17 के बारे में है। सो अब iOS 17 का जो लोग बीटा प्रोग्राम जो है वो टेस्टिंग के लिए रन करते हैं, बीटा प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करते हैं, तो अब उनके लिए जो है और एक न्यूज़ है कि iOS 17 का पब्लिक बीटा 5 जो है वो रिलीज़ हो चुका है। सो अगर आप लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है तो वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर भी जो है आपको और कुछ नए फीचर्स या बग जो है वो फिक्स करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। और हालांकि लॉन्च इसका आईफोन 15 सीरीज़ का दूर नहीं है, तो बहुत जल्दी जो है इसका आईफोन 15 सीरीज़ लॉन्च होने के बाद हमें उसका स्टेबल वर्जन भी जो है बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कि iOS 17 के अंदर हमें और क्या क्या मेजर चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, मैं कहूँ रियलमी GT 5 स्मार्टफोन के बारे में है, और इसके जो है एक दो पोस्टर और निकल के सामने है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जिसमें SoC जो है कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के ऊपर जो है हमें ये स्मार्टफोन रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। LPDDR5X रैम अप टू 24 GB तक की हमें देखने को मिलने वाली है, और UFS 4.0 में हमें जो है 1 TB तक की जो है अप टू हमें स्टोरेज देखने को मिलने वाली है। सो अब देखते हैं, और साथ ही में हाँ 240W का फास्ट चार्जिंग भी जो है वो हमें रियलमी GT 5 के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो अब देखते हैं कौन सी प्राइस पे हमें ये स्मार्टफोन चाइना में लॉन्च होते हुए देखने को मिलता है। हालांकि रियलमी GT 3 तो यहाँ पे लॉन्च नहीं हुआ है, बट देखते हैं कि क्या रियलमी GT 5 इंडिया में लॉन्च होता है कि नहीं। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है iQOO के स्मार्टफोन के बारे में, और अगेन हम बात करने वाले हैं iQOO Z7 Pro 5G स्मार्टफोन के बारे में। अब कंपनी ने उसका SoC जो है वो लॉन्च से पहले कंफर्म कर दिया, जिसका पोस्टर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। Dimensity 7200 SoC के ऊपर जो है हमें ये स्मार्टफोन रन करता हुआ देखने को मिलने वाला है। लॉन्च
इसका अब ज़्यादा दूर नहीं है, 31 अगस्त को हमें इसका लॉन्च जो है वो देखने को मिलने वाला है। देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे आईको इसे जो है इंडिया में लॉन्च करती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऑनर के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं कहूँ ऑनर 90 के बारे में, जो हमें सेप्टेम्बर के अंदर लॉन्च तो देखने को मिलने वाला, लेकिन डेट अभी तक कुछ कन्फर्म नहीं हुई है। बट द मोबाइल इंडियन की तरफ से जो एक न्यूज़ निकल के आ रही है उसकी प्राइस के बारे में, हालांकि उसके स्पेसिफिकेशन जो है वो पहले वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। कुछ की स्पेक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें 6.7 इंच का जो है कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 के ऊपर रन करेगा। 200 megapixel कैमरा प्लस 12+2 का सेटअप होने वाला है। 50 megapixel का फ्रंट कैमरा देखने को मिलने वाला है, 5000 mAh की बैटरी के साथ। और कहा जा रहा है कि 35,000 जो इसी प्राइस होने वाली है, यानी कि SoC भी अच्छा है, कैमरा इसका रिजल्ट अच्छा होने वाला है, और ऑनर जो है अपनी बिल्ड क्वालिटी जो है इसकी अच्छी रहती है, काफ़ी प्रीमियम डिज़ाइन इन लोगों का रहता है। तो 35,000 के अंदर मुझे लगता है कि ये स्मार्टफोन कुछ बुरा नहीं हो सकता। देखते हैं कि जब इसका लॉन्च होता है तब हमें इसके बारे में इसके रिव्यू जो है वो क्या जानने को मिलते हैं। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन है रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बात कर रहा हूँ रियलमी GT 5 के बारे में है अगेन। और उसका एक जो टीज़र जो है वो आ चुका है, हालांकि टीज़र अगर आपको देखना है तो आप यूट्यूब या फिर ट्विटर पर जाके जो है सर्च करके आप देख सकते हो। बट उसमें से एक दो जो है फोटो मैंने आपके लिए कैप्चर किए, स्क्रीनशॉट जो मैं आपको सुनकर दिखाऊँ, जिसमें हमें रियलमी GT 5 का जो अगेन एक रियर लुक हमें देखने को मिल रहा है। पीछे एक जो है वो नोटिफिकेशन लाइट है वो भी हमें जो है वो देखने को मिल रही है, और 28 अगस्त को जो है लॉन्च होने जा रहा है। सो अब देखते हैं, बहुत दिन की दूरी नहीं बची है, बट देखते हैं कि कौन सी प्राइस पे हमें चाइना में लॉन्च तो देखने को मिलता है। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है अगेन रियलमी के स्मार्टफोन के बारे में। आज रियलमी की काफ़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, और मैं बात कर रहा हूँ जो आज इंडिया में स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले थे उसके, तो उसमें से वन ऑफ द एक स्मार्टफोन है वो है रियलमी 11X 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो लॉन्च हो चुका है, जिसका स्पेसिफिकेशन फोटोज जो है वो मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ। बात करते हैं उसके की स्पेक्स के बारे में, तो इसके अंदर जो है हमें 6.72 इंच का IPS LCD डिस्प्ले में देखने को मिल जाता है। डायमेंसिटी 6100+ के ऊपर रन करने वाला है। साथ ही में इसके जो है बैटरी की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी, कैमरा जो है 64 megapixel का प्राइमरी सेंसर में देखने को मिलने वाला है। और इसकी जो प्राइस रखी गई 20 वेरिएंट की 6GB रैम प्लस 128GB की, वो है 14,999 जो इसकी प्राइस में देखने को मिलने वाली है। डिस्काउंट आपको इसके अंदर 1000 rupees तक का जो है देखने को मिल जाएगा। और साथ ही में इसका जो सेल है वो 30 अगस्त दोपहर 12 बजे से जो है वो शुरू होने वाला है। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो नज़दीकी ऑथोराइज रिटेल स्टोर या फिर फ्लिपकार्ट या फिर उसकी रियलमी की वेबसाइट के ऊपर से जो है आप इसे जाके परचेस कर सकते हो। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है रियलमी के 11 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो आज लॉन्च हुआ है इंडिया के अंदर। इसके भी फोटो स्पेसिफिकेशन जो है मैं आपको सुनकर दिखा रहा हूँ। बात करते थे कुछ की स्पेक्स के बारे में, तो इसके अंदर भी जो है हमें डिस्प्ले जो है 6.72 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश के साथ। डायमेंसिटी का जो 6100 SoC है वही हमें देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इसके अंदर भी तो 5000 mAh की बैटरी, कैमरा इसके अंदर हम 108 megapixel का सैमसंग का सेंसर जो है वो देखने को मिल जाता है, 16 megapixel का फ्रंट कैमरा। और साथ ही में इसकी प्राइस की बात करें तो 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 18,999 रखी गई है 20 वेरिएंट की। इसके अंदर आपको 1500 का तक का जो है डिस्काउंट आपको देखने को मिलने वाला है, और इसका जो सेल है वो 29 अगस्त से जो है वो शुरू होने वाला है। सो अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया है तो आप इसे जो है फ्लिपकार्ट या फिर रियलमी की वेबसाइट या फिर नज़दीकी रिटेल स्टोर से जो है वो परचेस कर सकते हो। तो अब जो न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है रियलमी के ही प्रोडक्ट के बारे में, जो दोनों स्मार्टफोन के साथ लॉन्च हुआ था TWS, और वो है रियलमी बड्स एयर 5 और 5 प्रो। दोनों की प्राइस जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। बड्स एयर 5 की जो प्राइस है वो है 3699, और फर्स्ट सेल के अंदर 3499 में आपको अवेलेबल होने वाला है। और बड्स एयर 5 प्रो की प्राइस 4999 है, जो आपको फर्स्ट सेल के अंदर जो है 4499 में जो है आपको देखने को मिलने वाला है। और दोनों का ही सेल जो है 26 अगस्त से एक का सेल शुरू हो रहा है, और प्रो का जो 29 अगस्त से जो सेल आपको शुरू होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो आपको जो भी TWS पसंद आए जो है आप इसे जो है रिमाइंडर लगा दीजिए अपने स्मार्टफोन पे, और फ्लिपकार्ट रियलमी के स्टोर से जो आप इसे परचेस कर पाओगे। सो अब जो हम आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है iPhone 15 Pro सीरीज के प्राइस के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू डिजी टाइम्स ये कहा जा रहा है कि iPhone 15 Pro और 15 Pro Ultra या Max कह लो, उसके प्राइस में जो है हमें $100 का जो है वो अपमूव देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो 14 Pro की प्राइस थी वो थी $999, और उसकी प्राइस जो है बढ़कर हमें $1,099 देखने को मिलने वाली है। और 14 Pro Max की प्राइस थी $1,099, तो इसकी प्राइस हमें $1,199 जो है वो हमें होते हुए देखने को मिलने वाली है। यानी कि $100 जो है वो हमें प्राइस बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। सो अब देखते हैं कि एक्चुअल में जो है जब ये स्मार्टफोन लॉन्च होते हैं
एप्पल के, तो हमें क्या प्राइस देखने को मिलती है। प्राइस हाइक होने वाला है वो कन्फर्म है, बट देखते हैं कि कितनी प्राइस हमें हाइक होते हुए देखने को मिलती है इन एप्पल के नए आईफोन्स के अंदर। सो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही में चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। किसी प्रोडक्ट को लेकर कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स यानी कि ट्विटर और कू ऐप पे जाके टैग ज्ञान सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, डीएम करके अपनी क्वेरी मुझसे पूछ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना आपको गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।